अगले दिन फिर पाठशाला छड आंदा। पिता जी चले गए अपने काम ते, तां पंधे ने अलग किया गुरु नानक साहब ने, विचों उठा के कहा नानक इधर आओ, कोल बिठा के फिर कुछ होर इस तरह विद्या पढ़ाई। वो अक्षर भी पहली बार ही पढ़ ले तां अज भी पंडित हैरान है, पर तीजा दिन जदों आया तां कुछ वक्री गल होई। दो दिन तां जो पढ़ाउंदे रहे आपे ही पढ़ते रहे, तीजे दिन जदों मैता कालू छड के गए, जान लग्या कह गए पंडित हरदयाल नूं। पंडित हरदयाल ने कहा बहुत मतवान है तुहाडा पुत्तर, वेखो दोवां दिनां विच एक भी अक्षर नहीं उकया, जो मैं कहा पहली बार पढ़ लैंदा है, जो कहा पहली बार लिख लैंदा है। तां पंडित हरदयाल नूं मैता कालू कहिंदे जी पटवारियां दा पुत्तर है, ये मेरे करके मेरे को विद्या, मेरा इन्ना ज्ञान पढ़ा लिखा बचपन तो लैके, मेरी पढ़ाई वेखो किन्नी है। तां एक चीज़ ध्यान विच रखियो, जदों आपां नूं कामयाबी मिलदी है आपां उहनूं अपने नाल जोड़ लैंदे कि मेरे करके है, पर गुरमत दा नियम कुछ उल्ट है। महाराज ने कहा सिखा तैनू वड्याई मिले, तैनू गुण मिले, तैनू शोभा मिले, तैनू संसार दे सुख मिलन, ते हथ जोड़ के कहीं दाता तेरी कृपा करके है, तैनू कोई दुख ते परेशानी आवे तां हथ जोड़ के कहीं मालक मेरे कर्मा करके है, ये गुरमत है। पर संसार दा नियम उल्ट है, मनुखी मन दा सुभा है, जदों इनू लाभ हुंदा है, बेनीफिट हुंदा है, कामयाबी हुंदी है, ये उहदा बेनीफिट सब कुछ लाभ विचार के क्रेडिट अपने आप नूं दिंदा है। मेरी वजह नाल किसी का बच्चा इंटैलीजेंट निकल आवे तां लोग कहिंदे ने ना जी फिर असी भी बड़ी विद्या पढ़ाई जी, घर बड़ी कोशिश करी दी है, ट्यूशन बड़ी पढ़ाई है। इस तरह मनुख क्रेडिट अपने आप नूं दिंदा है कि असी मेहनत बड़ी कीती जी, घर कोई कार कोठी कारोबार बन जाए फिर कहिंदा जी मेहनत बड़ी कीती, स्ट्रगल बड़ा कीता, स्टडी बड़ी कीती है, अपने आप नूं कहिंदा। पर इस मन का एक सुभाव होर भी है, जदों घाटा पै जाए ना फिर जा तां किसी बंदे दे सिर ते मड़दा है कि मैं ते वधिया कीता सी, उहदा ही बेड़ा बह गया। जे फिर बंदा ना लभे तां रब दे मत्थे जरूर मड़दा है कि असी ते जंगा कीता, बस रब ने जी, फिर भाणा कहिंदा, फिर कहिंदा रब ने इस तरह कर दिता। महाराज ने कहा यह मनमुख मन का सुभा है, ये साकत बंदे का सुभा है, गुरमुखां का सुभा नहीं है, गुरु ने मत कुछ होर दिती है। हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने कोई दुख होवे तैनू घाटा पै जाए तां कहना चाहीदा दद्दा दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा अपणिआ जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। कोई वड्याई सोभा संसार दे पदार्थ अहुदे मिलन ते उस परमात्मा दा शुक्र करके कहीं दाता मैं योग नहीं सी, ये सब तेरी कृपा, उदों हथ जोड़ के कहीं तेरा कीता जा तो ना ही मैनू जोग के, पढ़ो तेरा कीता जा तो ना ही मैनू जोग, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे आया। गुरमत मालक मैं ते निगुणा हाँ, ये तैनू तरस आ गया कितने तां तू दुनिया के सुख साडी झोली विच पा दिते। लखां लोग बिना छत तो सौंदे ने, पुलां थले रहिंदे ने, आपां नूं रब ने इन्नी सुख सुविधा दित्ती उहदा शुक्र करना चाहिए। जिहड़ा सुखमणी साहब का पाठ है ना, दुनिया तो बड़ी वक्री भगती इहदे विच, पता क्यों? इहदे विच महाराज ने उह कुछ चेते कराया जो रब ने सानू दिता है, नहीं तो जिहड़ी साडी अरदास है वह हुंदी है जो साडे कोल नहीं। आपां अरदास उह करी दी है जिहड़ी मेरे कोल चीज़ नहीं है, हथ जोड़ के कहिंदा आह वी दे दिओ, आह वी दे दिओ। पर गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा अरदास कर, चेते कर परमात्मा नूं, कादे करके जो तैनू दिता है वो चीजा चेते कर, जो कुछ दिता है उन्होंने याद करके महीना कर अरदास करो, मन की दशा बदल जाएगी, जो रब ने दिता है वह चेते कर। तइयों हजूर सच्चे पातशाह कहणगे जिन दीए तुद बाप मैं तारी, जिन दीए भरात पुत हारी। जिन्हें तेनू माँ प्यो दिते, भरा दिते, पुत्र दिते, वह शुक्र कर।
नहीं तो लखां लोग ने जिन्हां नूं दित्ती नहीं औलाद, लखां लोग ने जिन्हां नूं घर नहीं दिता, लखां लोग ने जिन्हां नूं तंदुरुस्ती नहीं दिती, लखां लोग ऐसे ने जिन्हां नूं रहण वास्ते घर परिवार नहीं दिता। ये अपनी समझ नाल नहीं परिवार चलते, ये भी ध्यान में रखियो। पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो तुसीं हैरान होवोगे, वड़े वड़े डॉक्टर वकील प्रोफेसर इंजीनियर लोग मैं वेखे ने उन्होंने डाइवोर्स हो गए, घर नहीं चला सके। दो साल पहले एक सज्जन बड़े प्यार वाले ने वो तुहाडे शहर में एडीसी रहे ने इत्थे, तो उन्होंने घर कोई खास फैमिली प्रोग्राम से, वो प्यार करके उन्हें मैनू बुला लिया उत्थे, तो अंदर बैठिया बैठिया गल चली तो एडीसी साहब कहिंदे भाई साहब जी तुसीं तां घूमदे फिरदे रहिंदे हो। उन्हां अपने वालों हासे च भी गल हो सकदा मजाक विच कीती होवे, पर फिर मैं उन्हूं क्लीयर भी किया कि एवें हस रहे हो कि सच है। तो एडीसी साहब कहिंदे जी आ साडे फ्रेंड ने, थोड़ा इन्हां दा ख्याल रखो, कितें घूमदे फिरदे रहिंदे हो, कोई रिश्ता वेखो इन्हां लई। तो मैनू वो सज्जन की उम्र कोई 40 साल के करीब लगी। भावें लोग अपनी उम्र छुपाते ने, काले कूले कर लेंदे ने, पर वो फिर भी दिस पैंदा है। मैनू 38-40 साल लगी। मैं कह जी क्यों मजाक कर दे, उम्र भी वड्डी है, ये करते की ने। एडीसी साहब कहिंदे जज लगे हुए ने, ये जज ने अमृतसर साहब। तो मैं कह जी क्यों मजाक कर दे इन्हों की इस उम्र में, मैं जज साहब तुहाडी मैरिज हो ही नहीं, तो थोड़ा जिहा चेहरा ढिला पै गया, क्योंकि हुई तो सी डाइवोर्स हो गया, 5-6 साल हो गए, हद हो गई गल वाली। दूजियां दे फैसले देण वाले लोग खुद डाइवोर्स हो जांदे, घर टुट जांदे ने, क्योंकि अकलां समझ नाल घर नहीं चलते, ये पदार्थ पैसे नाल घर नहीं चलते, संसार दे घर प्यार नाल चलते ने, जे गुरु दवे तो पदार्थां नाल नहीं। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह गल समझाई है, मनुखी मन का सुभा है, घाटा पै जाए ये रब नूं कहिंदा, इहनूं लाभ हो जाए ये अपने आप नूं कहिंदा। मैं मेहनत बड़ी कीती, स्ट्रगल बड़ा कीता, स्टडी बड़ी कीती, कदे हंकार नहीं करना चाहिए। साध संगत स्टडी करके कोई इंजीनियर डॉक्टर बन सकदा, पर स्टडी वह कर सकदा जिन्हों रब बुद्धि दवे। जे रब बुद्धि ना दवे, करोड़ों रुपया लोग चुकी फिरते ने, अपने बच्चों नूं कुछ नहीं बना सके। जिन्हों उत्ते नज़र की, पट्ठे टिट्टां पत्थन वाले बंदियां दे डॉक्टर बच्चे बन गए। ये मैं तुहानूं दिखा सकदा, एमडी डॉक्टर है, उहदी मां बिरध हो गई है, प्यो चढ़ाई कर गया, उन्हें पट्ठे टिट्टां पथ पथ के उन्हूं डॉक्टर बनाया, अज एमडी है, बड़ा वड्डा डॉक्टर है, उहदे कोल डिग्रियां ने 2-3। कहण तों भाव यह है ओदी नज़र होवे तां कोई बन सकदा है। रही गल स्ट्रगल करन दी, असी मेहनत बड़ी कीती तां इत्थे सब कुछ बनिया। मेहनत कौन कर सकदा जी, जिन्हों रब तंदुरुस्ती दवे। जे वह तंदुरुस्ती ना दवे, मेहनत कादी कर लोंगे। इसलिए सब कुछ ओदे हथ है। ता ही महाराज कहिंदे कहना चाहिए, ददा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट न आवई अगणत बरे भंडार।